नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आज से अनलॉक 3 की हुई शुरुआत। बिहार के सभी प्रखंडों में खोले जाएंगे प्रदूषण जांच केंद्र। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 5 एजेंडों पर लगी मुहर। रंगमंच को लेकर मनोज वाजपेयी ने कही अपनी बात। कोवैक्सीन के तीसरे चरण ट्रायल का परिणाम आया सामने। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज शाम से 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, तो वहीं दफ्तर में कर्मचारियों की होगी वापसी। बिहार में आज से अनलॉक 3 की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद आज से घरों से ज्यादा लोगों की चहलकदमी सड़कों पर देखने को मिलेगी। गृह विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार आज से दुकान शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय भी आज से पूरी क्षमता के साथ 5 बजे तक काम करेंगे। इसके साथ ही आज रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होने वाली है, जो कि सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। इसके अलावा शादी समारोह में अब 25 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति दे दी गई है। वहीं 12 बजे दोपहर तक पार्कों को भी खोलने का ऐलान जारी किया गया है। हालांकि सरकार ने संभावित लहर को देखते हुए मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और धार्मिक स्थल को बंद रखने का आदेश जारी रखा है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 5 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसके तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बिहार गव्य संवर्ग में भर्ती प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु बिहार गव्य संवर्ग भर्ती संशोधन नियमावली 2021 की स्वीकृति दे दी गई है। 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था के लिए बाल हृदय योजना में निर्धारित परिवहन की राशि में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य मुख्यालय स्तर पर अनुसंधान प्रबोधन को संगठन के लिए 69 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। बिहार के 8 प्रखंड सह अंचल कार्यालय की पुनरीक्षित प्राकलन एवं 2 प्रखंड में आवास एवं परिसर विकास योजना के पुनरीक्षित प्राकलन एवं 2 प्रखंड सह अंचल कार्यालय योजना के निर्माण हेतु 1,87,40,00,000 रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। इतना ही नहीं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापन जलापूर्ति योजना के संचालन, रखरखाव एवं अनुरक्षण अनुदेश की स्वीकृति भी दी गई है। बिहार के सभी प्रखंडों में खोले जाएंगे प्रदूषण जांच केंद्र। अब प्रदूषण जांच केंद्र ढूंढने में आपका समय बर्बाद नहीं होने वाला है। बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने बिहार के सभी प्रखंडों में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर सहायता राशि भी मुहैया करवाने की योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर विभाग प्रस्ताव भी जल्द ही तैयार करने वाला है। प्रस्ताव तैयार होते ही इसे कैबिनेट के पास पेश किया जाएगा। हालांकि अब तक प्रदूषण जांच केंद्र खोलने वालों को सरकार की तरफ से कोई मदद मुहैया नहीं करवाई जाती थी, लेकिन अब सरकार ने सहायता राशि और अनुदान देने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत सरकार लाभुकों को लागत का 50% तक सहायता देने वाली है। यह सहायता 3,00,000 रुपए तक हो सकती है। गया दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 31 जुलाई तक हुई रद्द। कोरोना को लेकर हवाई यात्रा पर लगातार प्रतिबंध जारी है। बोधगया एयरपोर्ट से एयरलाइंस कंपनियां विमानों की उड़ान रद्द कर रही है। इसी क्रम में अब इंडिगो ने भी अपनी उड़ान को रद्द करने का फैसला लिया है, जिसके कारण अब यात्रियों को मजबूरन पटना और रांची का रुख करने को मजबूर कर दिया गया है। इंडिगो की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार जुलाई महीने में गया दिल्ली की उड़ान को रद्द कर दिया गया है। हालांकि कोरोना की वजह से पर्यटकों की आवाजाही बोधगया में 2 साल से बंद है, जिसका सीधा असर निजी विमान कंपनियों पर पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद एयरलाइंस कंपनियां अपनी सुविधा के अनुसार विमानों के परिचालन को लेकर फैसला ले रही है, जिसके तहत अब जिन भी यात्रियों ने अगले महीने की टिकट बुक करवाई है, वो लोग कैंसिल कर रहे हैं। कंपनी द्वारा टिकट के पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। वहीं अब लोग अगस्त महीने के लिए टिकट की बुकिंग करा रहे हैं। नगर निकाय में शामिल पंचायतों के सदस्य को नहीं मिलेगा परामर्श समिति में स्थान। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल के खत्म होने के बाद परामर्श समिति का गठन किया गया है। हालांकि अब इस समिति में शामिल होने वाले सदस्यों को लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ किया है कि नगर निकाय में विलय होने वाले पंचायतों के प्रतिनिधि को परामर्श समिति में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। ज्ञात हो, पंचायती राज विभाग ने साफ किया है कि संबंधित पंचायत के क्षेत्र को जिस तारीख से नगर निकाय में सम्मिलित कर लिए जाने पर अंतिम अधिसूचना जारी की गई है, उस तारीख से संबंधित प्रतिनिधि पंचायत के पदाधिकार नहीं होंगे। ऐसे में उनके परामर्श समिति में शामिल नहीं किया जा सकेगा। आपको बता दें कि परामर्श समिति में शामिल होने वाले सदस्यों को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि जो पंचायत नए गठित नगर निकाय में शामिल किए गए हैं, उन पंचायतों के प्रतिनिधि को समिति में जगह मिलेगी या नहीं, जिसके बाद अब सब कुछ साफ कर दिया गया है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे संजय कुमार झा की। संजय कुमार झा का जन्म बिहार के सुल्तानगंज में साल 1963 को हुआ था। संजय कुमार झा, जिन्हें शॉर्ट में एसके झा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अमेरिकी कारोबारी और कई कंपनियों के पूर्व सीईओ हैं। इन्होंने क्वालकॉम, मोटोरोला, मोबिलिटी, ग्लोबल फाउंड्रेस जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। इनका जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई विदेश में की है और अब अमेरिका में ही रहते हैं। इनकी कुल संपत्ति 3,000 करोड़ रुपए से अधिक है। बिहार में एडीएम समेत 9 अधिकारियों का हुआ तबादला। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार बिहार सरकार ने प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों का तबादला कर दिया। एडीएम और उप सचिव स्तर के पदाधिकारी का ट्रांसफर किया गया है, जिसके तहत पूर्णिया के एडीएम मोहम्मद तारिक इकबाल को कला संस्कृति एवं युवा विभाग का संयुक्त सचिव और राहुल बर्मन को नगर विकास एवं आवास विभाग का उप सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव कुमार देवेंद्र को पूर्णिया का एडीएम और पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे प्रमोद कुमार राम को किशनगंज का एडीएम बनाया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की ओएसडी कनक बाला को भविष्य निधि निदेशालय का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। भविष्य निधि निदेशालय के सहायक निदेशक चित्रगुप्त कुमार को खान एवं भूतत्व विभाग में उप सचिव बनाया गया है। एसएलबीसी की बैठक में 1,60,500 करोड़ ऋण देने का तय हुआ लक्ष्य। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा इस बैठक में मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुभानी, वित्त प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ समेत कई बैंक के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान रिजर्व बैंक के अधिकारियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वित्तीय वर्ष में 1,60,500 करोड़ ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने सीडी अनुपात को सुधारने, बैंक अधिकारी को बैंकों की जमा पूंजी के अनुपात में लोन राशि पर ध्यान देने, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लोग अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, 76% के करीब लोन देने, बिहार में तय लक्ष्य से कम लोन देने की बात भी उठाई गई। बिहार डीएलएड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बीते दिन से डीएलएड 2020-22 सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी आखिरी तारीख 5 जुलाई है, जिसके तहत अब छात्र अपने संबंधित संस्थानों के प्रिंसिपल से फॉर्म भरवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, डीएलएड संस्थानों के प्राचार्य को आधिकारिक बिहार बोर्ड की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना था। पंजीकरण को अंतिम रूप देने से पहले संस्थानों को सभी सूचनाओं को क्रॉस चेक करना होगा। फॉर्म भरने के बाद ही उसका सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद ही नियमानुसार रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाएगा। ज्ञात हो रजिस्ट्रेशन शुल्क 400 रुपए निर्धारित किए गए हैं और भुगतान की अंतिम तारीख 7 जुलाई है। बिहार में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। बिहार में कोरोना के जारी माहौल के बीच टीकाकरण का काम जोर शोर से किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार 1,45,85,073 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में दोनों डोज को कुल मिलाकर 7,29,332 लोगों को टीका दिया गया, जिसके तहत पहले डोज में 7,02,501 लोगों को टीका दिया गया, जिसमें 18 से 44 साल के 5,55,779 लोगों को, वहीं 45 से 59 साल के 1,18,102, वहीं 60 साल से ज्यादा आयु वर्ग के 28,501 लोगों को टीका दिया जा चुका है। इसके साथ ही सेकेंड डोज के तहत 26,831 लोगों को टीका देने का काम बीते दिन के पिछले 24 घंटे में किया गया है। वहीं अब तक कुल मिलाकर 22,32,779 लोगों को सेकेंड डोज का टीका दिया जा चुका है। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण में इन 62 पदों के लिए आवेदन 25 जून तक। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अधीन NWDA के 62 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन पिछले महीने के दौरान 10 मई को जारी किया गया था, जिसके बाद अब राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्दी ही 25 जून 2021 को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट NWDA.gov.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बिहार में दरोगा एएसआई समेत 2,269 सिपाहियों का हुआ ट्रांसफर। बिहार पुलिस महकमे में बीते दिन एक बार फिर से बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जिसके तहत लंबे समय से पदस्थापित दरोगा, जमादार, हवलदार और चालक हवलदार से लेकर बड़े पैमाने पर कांस्टेबल तक का तबादला कर दिया गया, जिसके तहत 70 SI, 227 ASI, 254 हवलदार, 15 चालक हवलदार सहित 2,269 सिपाहियों के नाम शामिल हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक मगध प्रक्षेत्र के जिलों में पदस्थापित इन कर्मियों का तबादला किया गया है। संबंधित आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी जिले के SP को सौंपी गई है, जिसके बाद अब 1 जुलाई को स्थानांतरित किए गए पुलिस कर्मियों को नए पदस्थापना वाले स्थान पर हर हाल में ज्वाइन करना होगा। बिहार में ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत।
कोरोना के वर्तमान माहौल के बीच बिहार में ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फंगस को लेकर पर्याप्त चिकित्सीय सुविधा भी मुहैया करवाई जा रही थी, लेकिन अब बिहार में ब्लैक फंगस की चिकित्सीय सुविधा मिलने में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। खबरों की माने तो राजधानी के NMCH, IGIMS और PMCH जैसे संस्थान में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जल्द ही सहजता से एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की उपलब्धता का भरोसा दिलाया गया है। वहीं दवाई के अभाव से लगभग 8 मरीजों की जान भी अब तक जा चुकी है। जेपी सेतु के समानांतर बनेगा 6-लेन पुल। बिहता और कोइलबर के बीच 6-लेन पुल सड़क बनने वाली है। इसको लेकर बीते दिन बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसके तहत नितिन नवीन ने कहा कि नितिन गडकरी को हमने धन्यवाद दिया है क्योंकि केंद्र की तरफ से 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर की सौगात बिहार को मिली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार सरकार की तरफ से जेपी सेतु के पैरेलल में 6-लेन ब्रिज की मांग की गई थी, जिस पर अब जाकर सहमति मिल गई है। इसके अलावा पटना से वैशाली होते हुए अरारेज तक NH की घोषणा की गई थी, उस पर भी सहमति बनी है। बिहता और कोइलबर के बीच 4 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग की गई थी, इस पर भी सहमति मिल गई है। रंगमंच को लेकर मनोज बाजपेयी ने कही अपनी बात। अपने पिता के साथ समय बिताने मनोज बाजपेयी इन दिनों बिहार में ही हैं, जहां वो अपने घर और परिवार वालों के साथ समय बिता रहे हैं। बीते दिन मनोज बाजपेयी कालिदास रंगालय में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत होने पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने रंगमंच को लेकर अहम बात कही, जिसके तहत उन्होंने कहा कि रंगमंच सारी सांस्कृतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके बावजूद जब रंगमंच को सही न्याय और इज्जत नहीं मिलती तब बहुत दुख होता है। रंगमंच से संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। यही वजह है कि रंगमंच से निकला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो निर्देशक हो या लाइटमैन, अभिनेता या अभिनेत्री, वो जीवन में कभी हारता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में परफॉर्मिंग आर्ट से बढ़कर कोई भी माध्यम नहीं है जो आपके काम के बजाय आपको बेहतर इंसान बनाने में अपना योगदान दे। जमुई में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का हुआ कायाकल्प। जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने खेल प्रशिक्षण केंद्र के डेवलपमेंट को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की थी। अब भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी मुआयना करने जमुई पहुंच चुके हैं, जिसके बाद फिर से एक बार उम्मीद की किरण जागी है। मिली जानकारी के अनुसार यहां से निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट भारतीय खेल प्राधिकरण को सौंपी जाएगी। इस जमीन पर खेल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोलने की कोशिश की जा रही है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। आपको बता दें, भाजपा विधायक के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के प्रयास से 2004 में भारतीय खेल प्राधिकार ने यहां स्पेशल एरिया गेम सेंटर खोला था, जब 2008 में कई गांव वालों ने खेल प्रशिक्षण के लिए अपनी लगभग 22 एकड़ जमीन दान में दे दी थी। हालांकि यह मामला लंबे समय तक उपेक्षित रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे राजधानी दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद बीती शाम ही वो दिल्ली पहुंच गए। वहां पहुंचने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को हमारे ऊपर बोलने से पब्लिसिटी मिलती है, इसलिए वो खूब बोलते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद से जदयू में शामिल नहीं होंगे, इस बाबत पूछे जाने पर नीतीश ने कहा कि यह बात खुद पशुपति कुमार पारस ने कही थी कि वो NDA में है। नीतीश ने कहा है कि पता नहीं लोग क्यों हमसे नाराज है, जबकि हमारे इस पूरे मामले में कोई भूमिका नहीं है। इसके साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर उन्होंने कोई खास बयान नहीं दिया। चिराग पासवान ने पशुपति के नाम लिखा पत्र। लोजपा में जारी कलह के बीच चिराग पासवान ने बीते दिन अपने चाचा पशुपति पारस के नाम पत्र जारी किया, जिसके तहत उन्होंने लिखा कि पापा ने पार्टी और परिवार को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की। चाचा रामचंद्र के निधन के बाद उन्होंने प्रिंस को आगे बढ़ने के लिए सहायता दी। इसी तरह वो चाहते थे कि परिवार के सभी लोग साथ रहे। उन्होंने पशुपति के लिए लिखा कि पापा के निधन के बाद वो परिवार के मुखिया थे, लेकिन पापा के जाने के बाद उन्होंने कभी भी इस जिम्मेदारी को निभाना जरूरी नहीं समझा। मैंने उन्हें पिता की जगह स्थान देने की कोशिश की, उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद रखी, लेकिन वो मुझे बेटा मानने की जगह प्रतिस्पर्धी समझने लगे। इसके साथ ही चिराग ने चाचा पशुपति से पूछा कि क्या मेरी जगह उनका अपना बेटा होता तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही करते। चिराग ने लिखा कि जिनकी गोद में मेरा पूरा बचपन बीता वो इस तरह मुंह मोड़ लेंगे, इस पर भरोसा नहीं होता है। नियोजित शिक्षकों के कागजात जांच को राजद ने बताया ड्रामा। इन दिनों बिहार सरकार की तरफ से नियोजित शिक्षकों के कागजात की जांच की जा रही है। वहीं इन सब के बीच सरकार का यह रवैया राजद को कुछ खास पसंद नहीं आया है। यही कारण है कि इस मुद्दे को लेकर राजद ने सरकार का घेराव किया है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चित्रंजन गगन ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों को कागजात के नाम पर ड्रामा कर रही है। नियोजित शिक्षकों से मेधा सूची की मांग पर कड़ी आपत्ति जताए जाने के बाद मेधा सूची को अनिवार्यता से हटाकर मेधा अंक और मेधा क्रमांक को अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि नियोजित शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि मेधा अंक और मेधा क्रमांक भी नियोजन इकाई पास ही रहता है। कोवैक्सीन के तीसरे चरण ट्रायल का परिणाम आया सामने। बीते दिन
DCGI की तरफ से सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण परिणाम को जारी किया है, जिसके तहत भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 77.8% प्रभावी पाया गया है, जिसके बाद कोवैक्सीन की मंजूरी के लिए भारत बायोटेक विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ प्री सबमिशन बैठक करेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोवैक्सीन उन तीनों टीकों में से एक है जिनका वर्तमान में भारत में कोरोना टीकाकरण के दौरान उपयोग किया जा रहा है। इस टीके के तीसरे चरण के डेटा पर कई बार सवाल भी उठाए गए हैं। ऐसे में टीके की प्रभावकता से जुड़ा डेटा वैक्सीन कितना प्रभावी है इस बात की पुष्टि करता है। आधार कार्ड में घर बैठे बैठे अपडेट कर सकते हैं ये चार जानकारियां। अब आपको अपने आधार कार्ड में जानकारियों को अपडेट करने के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आधार कार्ड धारक सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही अपने जनसांख्यिकी विवरण को आधार में अपडेट कर सकते हैं। UADAI ने बताया है कि आधार में नाम, लिंग, जन्मतिथि और पता अपडेट करने के लिए ssup.uidai.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। हालांकि ध्यान रहे, एक आधार कार्ड धारक अपना नाम जीवन में दो बार बदल सकता है, वहीं लिंग और जन्मतिथि को जीवन में एक बार बदला जा सकता है। इसके लिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहना जरूरी है। साथ ही आपको आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि या पता बदलना चाहते हैं तो आपको सत्यापन के लिए प्रत्येक प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी सबमिट करनी होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। साइमन आयोग ने 1930 में एक संघीय भारत और बर्मा के लंदन से पृथक होने की सिफारिश की। आर्कटिक संधि 1960 में संपन्न हुई। इसके तहत आर्कटिक महाद्वीप को वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चैटर्जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चयन समिति ने 2008 में सिफारिश की। महान मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन 1761 में हुआ। भारतीय नेता एवं इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का निधन 1980 में आज ही के दिन हुआ था। ICC के फैसले से भड़के सुनील गवास्कर। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी सुनील गवास्कर ICC से नाराज चल रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे मैच में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और दोनों टीम सही तरीके से अपना खेल का प्रदर्शन भी नहीं कर पा रही है। इसी बीच सुनील गवास्कर ने कहा कि ICC द्वारा बनाया गया ज्वाइंट विनर का आइडिया बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में ICC क्रिकेट कमेटी को इस पर फैसला लेना चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में ज्यादा बाउंड्री जड़ने वाले इंग्लैंड टीम को विजेता चुना गया था, तो इस बार भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कोई फॉर्मूला होना चाहिए था। आपको बता दें, मैच का 70% से ज्यादा हिस्सा बारिश की वजह से खराब होने के बाद नतीजा ड्रॉ की तरफ इशारा कर रहा है। एक साथ चार डिवाइस में चल सकेगा व्हाट्सएप। आज के समय में व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का एक अहम पहलू बन गया है। हमारे रोजमर्रा के काम के लिए, ऑफिस तक के लिए सभी टास्क इसी एप्लीकेशन के जरिए किए जाते हैं। इसी बीच व्हाट्सएप ने अपने सभी यूजर के लिए ताजा अपडेट जारी किया है, जिसके तहत बहुत जल्द आप अपने व्हाट्सएप को एक साथ चार गैजेट्स में चला सकते हैं। राहत की बात यह है कि आपको बार बार अपना व्हाट्सएप चलाने के लिए लॉगिन नहीं करना होगा। जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप के इस नए फीचर पर काम चल रहा है। यूजर इस नए फीचर के जरिए एक साथ चार डिवाइस पर काम कर सकते हैं, जिसके तहत व्हाट्सएप के मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर को कंपनी जल्द ही लॉन्च कर सकती है। इस फीचर से पहले यूजर सिर्फ एक ही डिवाइस में एक व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिवेटेड रख सकते थे। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,220 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,220 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 99.86 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.52 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अजय प्रसाद, सूरज वर्मा, मनीष मोहरा, प्रफुल कुमार, सिमरन सिंह, धनंजय कुमार, अभय कुमार, रतन कुमार, सोनू कुमार, गुड़िया कुमारी, शैलेश कुमार यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार लोजपा में बिखराव का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।